हेलो बच्चों, रेडियस क्लासेस 247 में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परावर्तन, यानी कि प्रकाश का। प्रकाश का जो परावर्तन है, बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो 10 क्लास से पढ़ रहे हैं और उनके लिए फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट है और आज का लेक्चर हमारा 3 है। तो चलिए आज शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या टॉपिक हमने आज का रखा है, जो कि आपको पूरी तरह से समझाने का कोशिश किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सेकंड लेक्चर में क्या पढ़े थे उसका रिकैप देख लेते बच्चे, उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्या है कि किरण पुंज क्या है इसमें, ठीक है। किरण पुंज क्या है, किरण पुंज के प्रकार क्या थे, इन दोनों पे हम लोग बात किए थे पिछले जो लेक्चर है उसमें। तो किरण पुंज क्या होता है, देखिए किरण पुंज क्या होता है, एक तरह से बहुत सारे जो स्ट्रेट लाइन जो है होता है ना, रेज यानी कि जो किरण होते हैं, बहुत सारे किरण का एक समूह को बोला जाता है किरण पुंज बोला जाता है। और ये किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। एक होता है क्या, समांतर, जिसमें इस प्रकार से जो किरण सीधा सीधा जाएगा तो उसको समांतर किरण कहते हैं। अगर मान लिए किसी पॉइंट से किरण निकल रहा है उसको अपसारी कहते हैं। और तीसरा होता है अभिसारी, जिसमें क्या होते हैं बहुत सारे किरण आकर के एक पॉइंट पर मिलते हो उसको बोला जाता है अभिसारी। तो यानी कि ये किरण पुंज के बारे में हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे, कक्षा नहीं पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज का टॉपिक हमारा देखिए क्या है, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार हो सकते हैं। पारदर्शिता मतलब क्या, कहने का मतलब किसी भी जो पदार्थ है उससे लाइट कितना पास करेगा या कितना पास नहीं करेगा, उसके आधार पे क्या है, उसी को पारदर्शिता कहा जा रहा है। उसी के आधार पे कितने तरह के हमारे पास पदार्थ हैं। तो देखिए ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो पारदर्शिता है, उसके आधार पे 3 प्रकार के आपके पास क्या है पदार्थ हैं। एक तो होता है आपका पारदर्शी, क्या होता है, पहला है पारदर्शी, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है पारभासी, उसके बाद आपका है तीसरा अपारदर्शी। तो सबसे पहले देखते हैं पारदर्शी, जिसको ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल है यानी कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस किसको बोला जाता है। सिंपल सी बात है, देखिए पारदर्शी मतलब वो सब्सटेंस होता है जिससे लाइट पूरा का पूरा पास कर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप हमको देख रहे हैं तो एयर के माध्यम से आप देख रहे हैं, क्योंकि आसपास हमारा क्या है, एयर है। तो जो हवा है वो आपका ट्रांसपेरेंट है। अगर शीशा है, कांच जो है वो भी एक तरह से ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम लोग पूरी तरह से देख सकते हैं। यानी कि जो पदार्थ से जो लाइट है बच्चे वो पूरी की तरह पूरी पूरी पास कर जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। अब देखिए यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिख रखा है, आप नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, ठीक है, उसे पारदर्शी है तो ट्रांसपेरेंट पदार्थ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स हो गया कांच, हवा, पानी और ये सब, ठीक है। तो ये सब के सब क्या कहला गया, पारदर्शी कहलाएगा। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा की हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा देखिए है आपका पारभासी, यानी कि जिसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। इससे थोड़ा सा अलग है, ये भी बहुत ही आसान है। देखिए पारभासी कहने का मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे लाइट थोड़ा थोड़ा पास करता है, पूरी तरह से पास नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि अगर पेपर है उस पर बटर लगा दो, यानी कि पेपर पे ऑयल या तो बटर लगा देंगे तो देखेंगे अक्षर जो होता है उसका थोड़ा थोड़ा पास कर जाएगा, यानी थोड़ा थोड़ा लाइट पता चलने लगता है, तो उसको बोला जाता है पारभासी। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे शीशा इस तरह का होता है जो कलरफुल शीशा जो होता है उससे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट पास नहीं कर पाता, मतलब पूरी तरह से लाइट पास नहीं कर पाता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा लाइट को ही पास कर सकता है, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, या तो उसको बोल सकते हैं पारभासी। आपके लिए क्या है डेफिनेशन, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर गुजरने देता है, पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहलाता है। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे घिसा हुआ कांच, कांच को क्या कर देते हैं, घिस देते हैं। चश्मा आप खरीदते हो ना, तो चश्मा थोड़ा सा स्क्रैच होने लगता है, या तो हेलमेट का जो शीशा है वो स्क्रैच होने लगता है, उसे कम दिखने लगता है। तो घिसा हुआ कांच से आप कम देख सकते हो, तो इसमें आप समझ गए हो घिसा है या हिस्सा नहीं है, ठीक है। उसके बाद तेल लगा कागज, कागज में अगर ऑयल लगा देते हैं बच्चे, तो ऑयल अगर लगा देते हैं तो वो भी आपका क्या हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है। बैलून का रबर जो होता है ना, बैलून को खींचो ऐसे करके, ठीक है, उससे आंख की जो हमारा पलक है, ऐसे आंख की पलक भी थोड़ा थोड़ा लाइट को पास कर सकता है, थोड़ा सा हमको महसूस होता है ना, देखो, ठीक है। इसी तरह से ट्रेसिंग पेपर, बहुत सारे एकदम पतले पेपर होते हैं ट्रेसिंग पेपर, उससे भी लाइट थोड़ा थोड़ा पास कर सकता है। ये ट्रेसिंग पेपर आपको पता है कहाँ दिखता होगा, जैसे जब क्या होता है ना, फोटो शूट होता है ना, तो फोटो स्टूडियो में आप देखोगे तो बड़ा सा जो लाइट होता है उसके ऊपर एक पेपर लगा होता है, ट्रेसिंग पेपर। इससे क्या होता है ना कि पूरा चमक नहीं हमारे चेहरे पर आता है, वो केवल लाइट दिखाएगा, चमकाहट नहीं दिखाएगा। तो इसलिए ट्रेसिंग पेपर, जिसको बटर पेपर भी कह सकते हैं, चर्म तुम्हारा जो स्किन है
वो भी आपका क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं स्किन हो गया, रक्त हो गया, दूध हो गया, ठीक है। घना जो धुआं है या तो हल्के बादल हैं या तो कुहासा, ये सब के सब किसका एग्जाम्पल है, तो ट्रांसलूसेंट पदार्थ का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया। उसके बाद कुछ ऐसे भी तो मटेरियल होंगे जिससे लाइट जरा से भी पास नहीं करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दीवाल, तो ये दीवाल जो हमारा है तो दीवाल से क्या लाइट पास करेगा, बिल्कुल नहीं। लकड़ी से पास करेगा, नहीं करेगा। प्लेट जो है, सो है मतलब कि कांच का प्लेट नहीं, वो प्लेट जो भी मेटल्स का प्लेट बना हुआ, धातु का प्लेट बना हुआ, तो उससे भी लाइट पास नहीं करेगा। तो बिल्कुल जिससे लाइट पास नहीं करता है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ओपेक, यानी कि उसको बोला जाता है अपारदर्शी, जिससे जरा सा भी लाइट पास बिल्कुल नहीं करने वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। समझ में आ गया बात। डेफिनेशन आप देखिए, कहता है वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता उसको अपारदर्शी यानी कि ओपेक पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा जो गद्दा होता है जिसपे आप सोते हो, गद्दा की बात कर लो ना, वो सब, धातु की प्लेट, ये सब के सबसे लाइट जो होता है जरा से भी पास नहीं करता है, इस कारण से इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है अपारदर्शी यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आई होप आज जो तीन हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में समझे, यानी कि पदार्थ के बारे में जो पढ़े, पारदर्शिता के आधार पे जो आपको समझ में आ गया होगा। अगले जो लेक्चर हैं, लेक्चर 4 में हमने क्या हम पढ़ाने वाले हैं आपको, तो वो समझ लीजिए। उसमें अभी प्रकाश का परावर्तन का भी डेफिनेशन पढ़े नहीं हो, तो उसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, और देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के क्या क्या नियम हैं, परावर्तन के क्या क्या नियम हैं उसको पढ़ेंगे। मतलब अब नया एक तरह से जो नए जो लेक्चर आएंगे ना, तो उसमें आप मेन जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। अभी तो डिटेलिंग था, एक तरह से बेस तैयार होता है ना, तो वैसे ही ये तीन लेक्चर में हमने आपको बेस तैयार कर दिया कि लाइट में क्या क्या आपको जानने का जरूरत है। और हम अगले बार जो पढ़ेंगे लेक्चर 4 में, वो पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और देन आफ्टर इसके क्या क्या नियम से, और भी बहुत सारे चीज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसी प्रकार से आज का इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। लाइट चला गया है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमारा वीडियो भी खत्म हो गया है। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।